सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम विसर्ग का प्रयोग अर्थात अहा की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अहा की मात्रा के प्रयोग से वर्ण के अंत में अह की ध्वनि जुड़ जाती है, जैसे कि पु जमा न जमा अह मिलकर बना पुनः। पुनः मतलब बार बार, अगेन। आइए अब हम अह की मात्रा वाले कुछ और शब्द सीखते हैं। न जमा म जमा अह मिलकर बना नमः। नमः मतलब नमस्ते। अ जमा त जमा अह मिलकर बना अतः। अतः मतलब इसलिए। therefore, प्रा जमा त जमा अह मिलकर बना प्रातः। प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग। नी जमा अह जमा सन जमा को जमा च मिलकर बना निःसंकोच। निःसंकोच मतलब बिना किसी संकोच के, बेधड़क। तो चलिए अब हम अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक तेजस से अह की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। क पे अह की मात्रा कह, ल पे अह की मात्रा लह, त पे अह की मात्रा तह, ब पे अह की मात्रा बह, छ पे अह की मात्रा छह, म पे अह की मात्रा मह, स पे अह की मात्रा सह, अह। अतः, अतः माने इसलिए। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। नमः, नमः मतलब नमस्ते। पुनः, पुनः मतलब बार बार। स्वतः, स्वतः मतलब स्वयं, अपने आप। प्रायः, प्रायः मतलब अक्सर। आइए अब हम अह की मात्रा वाले कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है शनेह शनेह। शनेह शनेह मतलब धीरे धीरे। प्रातः 6 बजे उठना अच्छी आदत है, अर्थात सुबह 6 बजे उठना अच्छी आदत है। बड़ों को रोज सुबह नमः करो, अर्थात हर सुबह हमें अपने से बड़े लोगों को नमस्कार अर्थात नमस्ते करना चाहिए। अपना पाठ पुनः पुनः याद करो, मतलब अपना पाठ बार बार याद करो। नितिन प्रायः टिफिन ले जाना भूल जाता है, अर्थात नितिन अक्सर अपना टिफिन ले जाना भूल जाता है। कठिन काम शनेह शनेह करने से पूरा हो जाता है, अर्थात मुश्किल काम धीरे धीरे करने से पूरा हो जाता है। क्षितिज की असफलता पर वह अंतःकरण से दुखी हुआ, अर्थात क्षितिज की असफलता पर वह मन से दुखी हुआ। अपना काम स्वतः करना एक अच्छी आदत है, अर्थात अपना काम स्वयं अपने आप करना एक अच्छी आदत है। अंततः सत्य ही जीतता है, अर्थात अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो बच्चों, आज हमने अह की मात्रा के बारे में पढ़ा। आप भी इसका अभ्यास अवश्य करिएगा। धन्यवाद।